Come वाला मार्टिन पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस को सर दर्द देने वाला मामला देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है सर, छोड़ दीजिए सर, सर छोड़ दीजिए सर। पूरे देश में हलचल मचा दिया है इस केस ने, देखते हैं आज क्या होगा। हमारा इंतजार है कि पुलिस क्या करने वाली है। The breaking news which is running in the minds of all people will be out today and inspectors are investigating. We are trying harder to get much more information at the earliest and we will update you soon. Sir, bahar media aur public ki bheed bahut zyada badh gayi hai sir. Sir, wo आपने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके बारे में कुछ बताएंगे क्या? सर, इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? इसके पीछे कौन कौन है सर? हाँ, है। इस केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ओके? सो प्लीज कोऑपरेट विद अस। सर सर सर, आपका क्या केस है? इस केस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सुनो, हम अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तुम्हें पता नहीं है? तुमको स्पेशल हो क्या? सर प्लीज, जिन्हें आपने अरेस्ट किया है उनसे कुछ बात कर सकती हूँ सर? अभी हम कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए अभी हमें हमारा काम करने दो, चलो जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए। मैं क्या चुका हूँ ना, मैं मेरी बात समझ में नहीं आ रही? चुपचाप जाओ यहाँ से, चलो जाओ। ए, मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ, जो भी बात करनी है जाके कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। मैं हूँ शीतल, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। क्या हुआ था, आप लोग मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में? इस केस से आपका क्या संबंध है? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं इन्वेस्टिगेशन आसानी से कर पाऊंगी। मैडम, पुलिस मेरी एक भी बात नहीं सुन रही मैडम। वैसे हुआ ये था कि कहीं का तुम लोग के पास करने के लिए कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह तुम लोग यहाँ बैठ करके गप्पे लड़ा रहे हो तू? अरे तुम्हारी नजर में अभी हम बच्चे हैं गुरु, हमने घर जाने की बजाय यहीं पर टेंट लगाकर बैठने का प्लान किया है गुरु। देख भाई, यहाँ पर टेंट लगा के घर बसाने की जरूरत नहीं है,
ए भाई, एक सिगरेट देना जरा। हमारी हालत क्या है तू जानता नहीं है क्या? ये गवर्नमेंट टैक्स हम भर सकते हैं, लेकिन ये सिगरेट का टैक्स हमसे नहीं भरा जा सकता। कैसे विद्यार्थी हो तुम लोग? कॉलेज में सिर्फ शो ऑफ करने और सिगरेट पीने के लिए आते हो क्या? लेक्चर शुरू हो गया। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की तरह लग रहे हो, कम से कम अपने अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। सर आप भी तो यहाँ सिगरेट पीने आते हो ना। हे, चुपचाप खड़े रह। सॉरी सर। सरस्वती का बेटा। लेट लतीफ है, हमेशा इस समय तक आ जाती थी। ओ, वो तो अपनी ऋतु है, वो आ गई। इतनी सुंदर लग रही है। हाय। ओ, इस सुंदरी को देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। एक मिनट में आता हूँ। ए, कहाँ जा रहा है? मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। अरे यार, अब मैं क्या करूं? इन लोगों से क्वेश्चन पूछ के मैनेज करता हूं सब कुछ। ओके, एनीवन ऑफ यू नो व्हाट यू मीन बाय बायांसी? Don't know. Okay, next. What is turbo mystery? You. Hey, you. You. Waste guys. Royal mechanic के बारे में तुम लोग शायद कुछ नहीं जानते होंगे. And you. What do you mean by turbo mystery? Basic knowledge के बिना क्या इंजीनियरिंग करोगे तुम लोग? अच्छा तुम कौन हो? आईएएस क्लास में आकर मैकेनिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो? हर डिपार्टमेंट के बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख लो। ओके? क्या गुरु, पांच मिनट में आने वाले थे, लेट क्यों हो गए? अरे कहीं नहीं यार, प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने गया था। अगर बताते तो हम भी साथ में चलते। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम जाते समय तुम्हें भी ले चलूंगा। चलो अभी चलते हैं। चलो we'll be right back.
क्या है ये, तुम लोग क्या कर रहे हो? इज दिस द वे टू एक्सपेरिमेंट? लैब में आने से पहले अच्छी तरह से पढ़ के आना चाहिए था। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर? चलो ठीक से काम करो। क्या यार, कौन है वो जितना चिल्ला रहा है? मोस्टली ये हमारा डीन हो सकता है, तुम उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। नाम सुनते ही पूरा कॉलेज पढ़ाई करने लगा, और तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? किताब निकालो और जाकर पढ़ाई करो। सर, सर मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सर सब कुछ ओके है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अमर कहाँ है सर? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमर अमर अमर, जब पीके है तो तुम्हें अमर क्यों चाहिए? तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम हो बताओ। सर बहुत अर्जेंट है सर, अमर कहाँ है बताइए ना सर। अगर अर्जेंट है तो ये पवन कुमार किसी काम का नहीं। वो अभी कहाँ है, किससे झगड़ा कर रहा है, ये बात तो भगवान ही जानता है। वो एक पागल है, अभी उसके आने का वक्त हो गया है। पागल कहीं का। ए, अगली बार मेरी लवर के पास गए तो तुम दोनों को बम से उड़ा दूंगा। थैंक यू अमर। को कहीं भी देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं सर। इस बार दिखा तो एनकाउंटर कर देंगे। हेलो सर। हेलो शंकर, मुझे हाई कमान से बहुत प्रेशर आ रहा है। हाँ सर। जितने जल्दी हो सके उस चैप्टर को क्लोज करो। गॉट इट। ओके सर, चलो गाड़ी निकालो। यस सर। अरे यार, ये जॉनी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ गया है? वो इस वक्त किसी क्लास में या किसी लड़की के पीछे दाना डाल रहा होगा, कौन जानता है। उसके बारे में क्या पूछ रहे गुरु? वो एक नहीं दो नहीं, वो हर डिपार्टमेंट की लड़कियों को पटाने के फिराक में रहता है गुरु। लेकिन एक भी लड़की उसके जाल में नहीं फंसती। ये कमीना कभी नहीं सुधरेगा। I love you. अरे बदमाश कहीं के, परसों तूने मुझे प्रपोज किया था और कल मैंने देखा तू रश्मि को प्रपोज कर रहा था, तो आज क्या इस लड़की को प्रपोज करने आया है यहाँ? चीटर। मम्मी। एक बात बताऊँ, वो इस जन्म में नहीं सुधरने वाला। वैसे इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? शादी होने के बाद पता चलेगा किसके लिए यूज होता है। प्यार करने के लिए कहा और तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। लव? मैंने अब तक किसी से लव नहीं किया। मेरी माँ कहती है कि लव के नाम से किसी लड़की के पीछे जाओगे तो पूरी जेब खाली हो जाएगी, बाद में धोखा दे देती है, उस वजह से मैं किसी से लव नहीं करता। इसका मतलब तुम उस टाइप के हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ जब ओके बोलेगी तभी लव करूँगा। अच्छा, तो कल शादी हो जाने के बाद बच्चा कब चाहिए ये बात माँ से पूछोगे क्या? तुम और तुम्हारी माँ, समझो काम खत्म। हाँ तो कल हम दोनों बाहर जाएं क्या? तुम खुद मुझे चलने के लिए कह रही हो तो मैं मना करूँगा क्या? अच्छा ठीक है चलो। अरे रमेश आओ तुम। आओ बेटी। पापा वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है, मैं बहुत परेशान हो गई। क्या बात है बेटी, क्या हो गया, किसने टॉर्चर किया? पीके। पीके? ये कौन है बेटा? पीके का मतलब?
फाइनल ईयर स्टूडेंट है पापा, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। What the hell? कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद की बेटी के साथ बदतमीजी करता है? एक मिनट, क्या किया है उसने? सॉन्ग को बजाकर मुझे टॉर्चर करता रहता है। मैं प्यार करता हूँ बस इतना ही बोलता है। तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। तुम क्लास में जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ तुम। अरे रमेश सर, ये पीके कौन? फाइनल ईयर स्टूडेंट। बुला कर लाओ उसे। हाँ सर, जल्दी लेकर आना। बेबी तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना। लेस खाओगे क्या? ए चल जा। ओ टी मुझे लेस की जानी थी। बिस्किट लोगे? चल जा। देखो रानी, हमें हमेशा ऐसे मिलते रहते हैं। एक क्यों दिमाग खराब कर रही है? लोग इसको कहते हैं टॉमी। बहुत सोच समझ कर नाम रखा है। इतना काला है फिर भी इतनी सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ी रहती हैं। इस कमीने को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। जब बुला उसको। ए टॉमी इधर आ। गर्ल्स ए इधर आ, इधर आ, आजा 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 आजा। क्या रे, कॉलेज में लड़कियों के साथ घूमता है? मारो मारो मारो, यहाँ पे मारो ना, मारो मारो मारो, अरे मारो मारो मारो। अरे पागल है क्या? नहीं होगा, तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, समझा गया? क्या ये तो जंगली कुत्ते की तरह भौंक के चला गया। नमस्ते। एक बात बता, तू एक दिन भी ठीक से कॉलेज नहीं आता, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर ये जूनियर लोग तुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? ये देखकर मेरा दिल जलता है यार। एक बात बताऊं? बोलो। यही तो मेरा पावर है। हाँ बता। चलो आ जाओ। हाय पीके। क्या बात है यार, तुम्हारे पास तो इतनी सारी लड़कियां हैं, मेरे पास तो एक ही है, वो भी मेरे हाथ नहीं लगती। क्या हुआ तुम्हें? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे यार, उसका बाप मुझे बुला रहा है, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी सी बात है? फ्रेंडशिप में इतना भी नहीं कर सकते हैं? चलो मैं आगे खड़े होकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बाय गर्ल्स, बाय। चलो। समझ में आ गया ना? वो जो भी बोलेगा तुरंत मुझे आकर बता। एक्सक्यूज मी सर। इधर आ। पापा परेशान करते हो, पापा परेशान करते हो, परेशान करते हो, छिड़खानी करते हो, मेरी बेटी जानते नहीं हो तुम, खराब हुआ है, मार के हाथ पर तोड़ दूंगा तुम्हारे, बदतमीजी करते हो, इडियट कहीं के। पापा ये वो लड़का नहीं है, वो रहा पीके। इधर आ रे। क्या हुआ रे? जो करना था कर दिया, अब छुप के खड़ा है? तेरी वजह से इसको मार खानी पड़ी। इधर आ बेटा। सॉरी बेटा। इट्स ओके सर। इसकी हालत देखकर सबक सीख लो, दोबारा मेरी बेटी का पीछा किया तो कॉलेज से निकलवा दूंगा। अंडरस्टूड? आओ। ए, सुनो। इसमें सिलोन का चैनल पकड़ता है क्या? रुको पीके, पीके रुको। क्या हुआ पीके, लड़की का प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो तुम्हारे अंदर दिल होना चाहिए पीके। उस टॉमी को देखो, उसके पास दिल की कमी नहीं है। हम लोग एंजॉय करेंगे, ऐसी शाम बिताएंगे ना, तुम लोग यार पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। अरे बाबा, क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो?
उधर जा, उधर जा। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। जा। आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। आप बहुत अच्छी है। हेलो। मेरी आंखों के सामने मेरी बीबी को शॉपिंग के लिए लाता है। बाप रे। इतना तगड़ा पति होने के बाद भी तुमने ऐसे कपड़े पहने, तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बाइक पे बैठना नहीं आता तुम्हें? ठीक है। इतनी दूर बैठे हो तुम? अभी ओके है ना? अच्छे से पकड़ कर बैठो। आप चलो। अच्छी तरह पकड़ो मुझे। अरे पकड़ो ना अच्छे से। अच्छा ठीक है। अभी ओके है ना? मेरी किस्मत। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, इस केस को बहुत सीरियसली लेना है। ओके सर। क्या बात है सर? कुछ नहीं, चल गाड़ी निकाल। रोहित, सॉरी रोहित, उस दिन गलती से डैडी ने तुम्हें मार दिया। ये सब कुछ उस पीके की वजह से हुआ है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने उस बात को दिमाग Thank से निकाल you. दिया। बाय बाय। कॉलेज की सारी लड़कियों के साथ तुम घूमते हो, अब मेरी लवर को भी फंसा रहे हो। सब हेल्प के नाम पर मुझे धोखा देते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कैजुअल टॉक, बस इतना ही। जाओ। हे, कैसे हैं यार ये लोग, जब देखो तब झगड़ा ही करते रहते हैं। अरे यार ये तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई भी उन्हें झगड़ा करने से रोकता भी नहीं है। हेलो सर। हाय। भाई तुम लोग थोड़ा घूम के आओ ना प्लीज। रहन दे छोड़, तुझे अपने मुंह से बताने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही जाने वाले थे। ए, चल रहे। चलो भाई रोमांस करने। सर वो क्या है ना, थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी हेल्प चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? थोड़ा क्लास अटेंड करने जाना है, कल बताऊं तो चलेगा क्या? प्लीज बाय। अरे बाप रे सर, इतना डरते क्यों हैं? वैसे तुम्हारी फील्ड मैकेनिकल है ना, सुबह सुबह आकर हमारा सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो? हाँ सही कह रहा है, लेकिन मैं भी तेरी तरह रैंक स्टूडेंट बनना चाह रहा हूँ, इसलिए हर डिपार्टमेंट की बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना, क्योंकि IAS डिपार्टमेंट का टॉपर हूँ मैं। ओके। अबे फर्स्ट रैंक, मैं तेरी तरह रैंक स्टूडेंट बनने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहा हूँ, समझा ना? वो शास्त्री बता रहा था कि वरुण लाइब्रेरी में बैठकर इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में पढ़ रहा था। हाँ यार, वैसे भी इसको कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते नहीं देखा है मैंने। आज ही लाइब्रेरी में जाकर IAS की इतनी बड़ी बुक पढ़ रहा था। बात तो सही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो तो समझ में आना। टाइम हो गया, मैकेनिकल स्टूडेंट इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। आप हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ बहुत क्लोज रहते हो, ये अच्छी बात है। थैंक यू। बाय। बाय। क्या हो गया बे तुम लोग को? लगता है मामला फिट हो गया। फाइनल ईयर स्टूडेंट का ब्रांच शिफ्ट होने की वजह क्या है, बताना यार। ऐसा कुछ नहीं है यार, चल चल चाय पीते हैं, आजा। चलो यार। Thank you.
हो रही है, घर नहीं जाओगे क्या? अभी नहीं, हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट पर काम करना है ना, सो उसे पूरा करके चले जाएंगे। ठीक है ठीक है। पापा वो लोग जो वहाँ है ना, वो किसी भी एंगल से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं लग रहे हैं। जब भी बात करो हिस्टोरिकल थिंग्स, राजा और उनके महल के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। मैं उनके बारे में जानता हूँ। तुम भी जरा उनसे होशियारी से रहना, वार्निंग दे रहा हूँ। ओके ठीक है पापा, ठीक है। जबरदस्त लग रहा है। क्या कर रहा है? अरे सर, इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है सर? वॉचमैन की ड्यूटी करने के बजाय आंटी की ड्यूटी कर रहे हैं सर। पूरी दुनिया जानती है ये हनुमंत राव कितना स्ट्रिक्ट है। देश को बचाने के लिए सैनिक की तरह इस कॉलेज की हिफाजत करने वाला शेर है ये हनुमंत राव, पता है? आप शेर हो या चीता हो, लेकिन औरतों को बचाने में तो आपके जैसा कोई भी नहीं है। मैंने सोचा अंकल अकेले ही ड्यूटी कर रहे हैं, अभी पता चला आंटी भी ड्यूटी में बराबर का साथ दे रही है। अरे अभी तुम अपना ड्यूटी करना बंद करो, चलो बाय आंटी। मेरी बदकिस्मती। हाँ सर, बोलिए सर। नो नो सर, हम काम पे लगे हुए हैं। विद इन टू डेज में तुमने इस केस को कंप्लीट नहीं किया तो ये केस मैं दूसरे को हैंड ओवर कर दूंगा। हे हे हे, आओ आओ, हे देखो, ये रे, हे आओ आओ आओ, खेलो। अरे हे क्या बात है, क्यों घूर रहा है? हाँ हे देखो हमको घूर रहा हो। हे ऐसे क्यों घूर रहा है बे? हे ऐसे क्यों घूर रहा है बे? हाँ
कॉलेज किस लिए आते हो? पढ़ाई करके सुधरने के लिए या फिर गुंडा बनने के लिए? तुम सब लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, ये सब करते हो? जितनी जल्दी हो असाइनमेंट पूरा करने की सोचो, उम्र निकलती जा रही है। ऑलराइट? यस यस सर। दोबारा इस तरह की हरकत की तो आई डिसमिस यू ऑल एंड आई विल हैव नो मर्सी। गॉट इट? यस सर। बाहर जाओ। सॉरी सर। अरे सुनो यार, अब तक तुम कहाँ थे? इतनी देर हो गई, अभी तक वो लोग आए नहीं। एक है फर्स्ट रैंक राजू, दूसरा है लास्ट रैंक राजू। अगर दोनों मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है चलो। अरे अरे रुको रुको रुको, वहां देखो क्या बच्चा रो रहा है, हमें जाकर देखना होगा। हो गया। अरे छोटी बच्चे पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? ये कई पीढ़ियों से राजा के घर की संतान के साथ ऐसा करते आए हैं। इस संप्रदाय के हिसाब से इस घर में जो भी बच्चा पैदा होता है तो राजा के वंशज को बरकरार रखने के लिए हमारे लोग भी गुदना गुदवाते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन राजा के जमाने का तेल अभी शरीर पर क्यों गुदवाना है? क्योंकि तुम रुको माँ, ये तुम लोगों को पूछने का हक नहीं है और हमें तुम लोगों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। चल निकल निकल। ए, चलना। अरे नहीं रुको यार, चल। ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों ने, ये बहुत गलत है यार। अरे क्या सोच रहा है? अरे वो छोटी सी बच्ची के शरीर में गोदना गुदवाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल। क्या चल रहा है? अरे शास्त्री हाँ? उन्होंने कहा ना कि उनका सांप्रदायिक रिवाज है। नहीं यार वो अब क्या है उसके बारे में अभी जानना है क्या? चल गाड़ी पे बैठ, आजा चलते हैं। यहाँ पर क्यों आए हो तुम लोग, क्या बात है? कुछ नहीं, सुबह आते वक्त एक इंसिडेंट हुआ था। शास्त्री को उसके बारे में एक डाउट है, उसको कुछ जानना है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। इसकी बात सुनकर शायद तुम इसकी मदद कर सको। क्या है इंसिडेंट, क्या हुआ था? ये डाउट सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं, इस मामले के बारे में बहुत लोगों को डाउट है। ज्यादा कुछ नहीं, उस छोटी बच्ची के शरीर पे गोदना गुदवाना का मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही होता है, हमने हर राजा के बारे में स्टडी की है, उसी तरह गोदना गुदवाना भी। प्लीज उसके बारे में डिटेल में बता सकते हो क्या? शरीर में गोदना गुदवाने का संप्रदाय आज का रिवाज नहीं है। वो रिवाज इस देश में हजारों वर्षों से चलता आ रहा है।
राजा के घर की सारी संपत्ति को किसी को बताए बिना किसी गुप्त जगह में गाड़ कर उसके लिए एक वो कोड वर्ड की तरह गुदवा कर उसे बचाते आ रहे हैं। इस तरह से बच्चे के शरीर में गोदना गुदवा कर अपने रिवाज को बरकरार रख रहे हैं। उनके परिवार की संपत्ति उनके वारिस को मिले इसीलिए वो शरीर में गोदना गुदवाते हैं ताकि वो बड़ा होकर गोदने में छिपे हुए नक्शे से उस स्थान पर संपत्ति को ढूंढ सके। वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक किताब पढ़नी होगी। वो कौन सी किताब है? महावीर की लिखी हुई उस घड़ियाल किताब में इस बारे में सारी बातें लिखी हैं। तुम लोग भी उस किताब को पढ़ सकते हो। फाइनल ईयर खत्म होने वाला है। तुम लोगों ने 4 साल वेस्ट किया उतना काफी है। कम से कम आगे के प्रोजेक्ट को सीरियसली कंप्लीट करो। अरे बाप रे, फंस गया यार। ये भाई मैं अभी आता हूँ। प्रिया, 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 प्रिया सुनो तो सही एक मिनट। प्रिया क्या है? सॉरी, बस एक ही बार तो झूठ बोला है ना। बस एक बार? हजारों बार झूठ बोला है तुमने। अरे प्रिया, प्रिया एक मिनट रुको तो सही प्लीज। सॉरी।
अमर बैठा है ना, मैं उसे बहुत दिनों से देख रही हूँ। उसका कैरेक्टर बहुत अलग है ना। मुझे भी ऐसा लगता है, जब भी देखती हूँ उसे हमेशा गुस्से में रहता है। हाँ यार श्रेया, कुछ भी बोलता तो मारने के लिए आता है। लगता है उसके पास और कोई काम ही नहीं बचा हुआ है। हाँ यार, तुम जो बोल रही हो वो 100% सही है। अमर का इस तरह से विचित्र बनकर रहने की वजह उसकी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ वही है। क्या इंसिडेंट था बताओ। अनजान मैं अमर से प्यार कर बैठी, पर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। तो तुम्हें अमर को बताना चाहिए ना अपने प्यार के बारे में। अगर तुम उसे नहीं बताओगी तो कौन बताएगा उसे। बताने से कोई फायदा नहीं होगा। अमर के दिल में आज भी मनसा बसी हुई है और वो उसे आज भी बहुत प्यार करता है। प्लीज शांत हो जाओ ना। सॉरी अमर, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेला है, मुझे तो पता ही नहीं था। पता होता तो क्या कर लेती, ये मेरी बदकिस्मती है। जो होना था वो हो गया। हे, क्या बात है, तुम सभी लोग ऐसे उदास क्यों हो? है तुम लोगों को कुछ पता है क्या, एनुअल डे खत्म करके हम सब आउटिंग के लिए जाने वाले हैं। आए शास्त्री, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है। ओह, तो ये किताब है। hey,
क्या कर रहे थे बेटा? इसमें जो भी लिखा है वो सच है क्या? हाँ, इस जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ओलेरा पहाड़ है। वहाँ पर एक खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने तक पहुँचने के लिए हमसे पहले बहुत लोगों ने कोशिश की थी। अरे तुम क्या बोल रहे हो? इस किताब के मुताबिक सरावना पहाड़ पर जाने के लिए हमें बोलारा पहाड़ से गुजरना होगा। यहाँ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक खजाना यहीं पर है। सभी लोग सो रहे होंगे, क्यों ना हम लोग कोशिश करके देखें? अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो जरूर हमारे हाथ कुछ ना कुछ लगेगा। तुमने इतना बोल दिया है तो चलो ट्राई करके देख लेते हैं। चलो। हाँ। किसकी है? किसकी हो सकती है? मैं बताता हूं तुम्हें, इस बारे में मैं बताता हूं। आप कौन है? मेरे बारे में जानने से पहले तुम जिसे खोद रहे उस मूर्ति के बारे में जान लो। ऐसा क्या है उसमें?
अब तक सरवनप्पा पहाड़ में अब तक सैकड़ों लोग खजाने की तलाश में यहाँ आए, लेकिन वो लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। तुम लोग क्या कर लोगे? क्या? कौन बोल रहे हो तुम? कहाँ से बात कर रहे हो? इतना ही हुआ था मैडम, उसके अलावा इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। ओके, सारी बात मेरी समझ में आ गई, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आउटिंग के लिए गए थे, बहुत टायर्ड हो गए थे इसीलिए वापस आके सो गए थे। और वो लोग मॉर्निंग में जल्दी वापस आएंगे ये कहकर निकल गए थे, लेकिन वो मॉर्निंग में फिर नहीं आए। उसके बाद हम लोग कैब बुक करके रिटर्न आ गए। ओके,
थैंक यू। हाँ, यस प्लीज। सर, आपकी कॉलेज के कुछ लड़कों पर पुलिस ने कुछ केस किया है। So? उस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है। वैसे इस मामले में अपने ही लड़के कुछ ऐसा करेंगे, कौन भरोसा करेगा? यू सी, जाने दीजिए, आपके कॉलेज की हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने वाला या उस बारे में ज्यादा पढ़ने वाला कोई है क्या? देखिए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ हिस्ट्री पढ़कर दिमाग खराब करने वाला कोई नहीं है। बट यू सी, हमारे कॉलेज में दो ऐसे लोग हैं अपार्ट फ्रॉम दीज स्टडीज, ये लोग हिस्ट्री के पीछे अपना दिमाग खराब करते थे, यू नो। I'll put them before you if you want. आपके साथ इस फोटो में जो है वो कौन है सर? ओ, ये प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम बीइंग केमिस्ट्री प्रोफेसर, इन्होंने इससे पहले हमारे देश में विधि योजना में डिग्री लेकर अवार्ड भी लिया है। यू सी, मल्टी फैसेट पर्सन। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ? नो श्योर, व्हाई नॉट। ऊपर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ऑफिस है, आप वहाँ मिल सकती हैं उनसे। ही इज अवेलेबल नाउ, आप जाकर मिल लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं शीतल हूँ सर, रिपोर्टर। आपको क्या चाहिए? आपके कॉलेज के कुछ लड़के अरेस्ट हुए थे ना, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उनके जैसे यूजलेस लड़के मैंने कभी नहीं देखे। अच्छा, उनके बारे में छोड़िए सर, आपके पास ये जो अंगूठी है ये बहुत अच्छी है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये इसे मेरी बीबी ने मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट में दी थी, उसकी यादगार के लिए मैंने पहनी हुई है। इससे पहले एक अंगूठी मैंने खो दी, बाद में वैसी डुप्लीकेट अंगूठी बनाकर पहन ली। आपकी वो अंगूठी कहाँ खोई थी सर? अब कुछ तो ज्योग्राफी कलेक्ट्स एक्सपेरिमेंट में कहीं खो गई होगी ऐसा लगता है। वन सेकंड सर, आपकी जो अंगूठी खोई थी कहीं वही तो नहीं है? ओह माय गॉड, यही अंगूठी है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिल गई सर, पर अब दावे से कह सकते हैं कि आपकी ही है। क्योंकि नंदिनी ने पहली बार मुझे प्यार से ये गिफ्ट दी थी, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मैं मजाक कर रही थी सर, ये अंगूठी आपकी ही है, रख लीजिए। मुझे? ओह, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, मैं निकलती हूँ। सो नाइस ऑफ यू, जाकर आइए। धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले राक्षसों ने जब भी जन्म लिया है, सज्जन ने दुर्जन का सर्वनाश करके धर्म की स्थापना की है। हर युग में इस भूमि पर अवतार होता रहा है।
इसको सील लगाकर इस फाइल को हम क्लोज कर देते, नहीं तो ये केस कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर मीडिया वालों को क्या जवाब देंगे? अरे जाने दीजिए, छोड़िए ना। तुम्हें तो पता है मीडिया वालों के ड्रामे। सर ये फाइल देखिए सर, इसे देखने के बाद कल्प्रिट कौन है आपको पता चल जाएगा। अगर फाइल को देखकर ही पता लगाना है तो फिर हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सर, यार ये भी आप। आप जो ढूंढ रहे हैं अगर वो हासिल करना है तो मैं जो जगह बताता हूँ वहाँ तुरंत जाइए। देखिए सर, इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं। वो देख रहे हैं ना। सूर्य प्रकाश। यस सर। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, देखते हैं।
25 से ज्यादा ऐतिहासिक सरकारी खजाने को लूटने के जुर्म में इंजीनियरिंग कॉलेज के केमिस्ट्री लेक्चरर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थैंक यू मिस्टर शंकर, आपके डेडिकेशन और एफर्ट की वजह से इतने बड़े केस को आसानी से क्लियर कर लिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट। माय प्लेजर सर। एंड मिस शीतल, आप जैसे रिपोर्टर की हमारे डिपार्टमेंट को बहुत जरूरत है। इस केस में शंकर को तुमने बहुत मदद की है, इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you.